ऑनलाइन फ्रॉड आजकल आम बात हो गई है। आए दिन स्कैमर्स नए नए तरीकों से लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनाते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला नोएडा से सामने आया, जहां पर एक यूजर से करीब 8,24,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है और इसकी वजह थी ऑनलाइन सर्च में की गई एक छोटी सी गलती। एक्चुअली ये फ्रॉड हुआ है अमरजीत सिंह नाम के एक सीनियर सिटीजन के साथ, जो कि अपने डिशवॉशर के लिए कस्टमर केयर नंबर ऑनलाइन सर्च कर रहे थे। अमरजीत और उनकी वाइफ IFB डिशवॉशर के कस्टमर केयर नंबर को गूगल पे सर्च कर रहे थे कि इसी दौरान ऑनलाइन सर्च में उन्हें एक नंबर मिला जो कि IFB कस्टमर केयर के नाम से गूगल पर मौजूद था। जब कपल ने इस नंबर पे कॉल की तो एक महिला ने फोन उठाया और उसने अपने सीनियर से कॉल को कनेक्ट करने की बात कही। इसके बाद कथित सीनियर ने फोन पर कपल से एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा और उनसे कुछ डिटेल्स भी मांगी। इसके बाद फ्रॉड्स ने अमरजीत सिंह की वाइफ से 10 रुपए का ट्रांजेक्शन करने के लिए कहा, जिससे कि उनकी कंप्लेन दर्ज हो सके। अब इस प्रोसेस के दौरान स्कैमर्स की कॉल कई बार कटी और उन्होंने पर्सनल नंबर से कपल को लगातार कॉल की। उसी दिन शाम करीब 4:15 बजे अमरजीत सिंह के अकाउंट से 2,25,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ और अगली सुबह उन्होंने एक और मैसेज देखा कि करीब 5,99,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था। इसके बाद विक्टिम कपल ने इस मामले की जानकारी पुलिस और बैंक दोनों को दी और उन्होंने अपने ज्वाइंट अकाउंट को फ्रीज करा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उनके अकाउंट से काफी पैसे कट गए थे। हालांकि ऑनलाइन ठगी का ये मामला कोई नया नहीं है, इस तरह के मामले पहले भी कई बार देखने को मिले हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। दरअसल स्कैमर्स कई बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई फेक नंबर्स को कस्टमर केयर के नाम से रजिस्टर कर देते हैं और इससे जब भी कोई कंज्यूमर ऑनलाइन सर्च करता है तो उसे ये फर्जी नंबर वहां पर नजर आता है। यदि कोई यूजर उनके जाल में फंसकर कॉल करता है तो स्कैमर्स उसके साथ ठगी कर लेते हैं। इस तरह के स्कैम से खुद को बचाने के लिए आपको ऑनलाइन सर्च करते हुए सावधान रहना बेहद जरूरी है। किसी भी नंबर पे कॉल ना करें, बल्कि कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही कस्टमर केयर का नंबर हासिल करें। वहीं एनीडेस्क या फिर किसी दूसरे ऐप को अपनी पर्सनल डिवाइस पर कभी भी डाउनलोड ना करें, इससे स्कैमर्स को आपके डेटा का एक्सेस मिल जाता है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कस्टमर केयर कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगता, बल्कि किसी सर्विस के लिए आपको पैसे देने भी पड़े तो सर्विस होने के बाद ही देने पड़ते हैं। तो ऐसे में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं।